कल पीएम मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से चर्चा की थी और उन महिलाओं ने अपने संघर्ष की कहानियां बताई थी। इसी दौरान एक ऐसी महिला भी पीएम मोदी से मिली जिसकी बातों को सुनकर पीएम मोदी हंसने लगे। ये थी कश्मीरी महिला जिसका नाम था आरिफा। कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली आरिफा ने महिला कारीगरों की जिंदगी बदलने का काम किया था और 8 मार्च महिला दिवस पर पूरी दुनिया उनके इस सफर की गवाह भी बनी। लेकिन इस महिला से मुलाकात कर पीएम मोदी आखिर क्यों हंसने लगे, आखिर इस महिला ने क्या सवाल पूछा, इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। मैं आरिफा कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, श्रीनगर से, श्रीनगर बेस्ड हूँ। तो मैंने 2011 में पीजी किया है क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसमें अपने क्राफ्ट को जानने का मिला अवसर मिला कश्मीर में कि हमारा क्राफ्ट की ये जो इमेज है वो कैसे डिग्रेड हो गई और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा चलता था तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से हमारा रेशियो 98% से 2% पे पहुंच गया। तो उसके बाद आर्टिजन्स क्यों छोड़ रहे हैं क्राफ्ट्स को, तो वो सब जानने का मौका मिला। और फिर कश्मीरी लोगों के लिए प्यार भी था तो उस प्यार की वजह से फिर मैंने एक क्राफ्ट से, क्योंकि हमारा सेंटर से एक प्रोजेक्ट आया था रिवाइवल ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर, लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर। तो हमने देखा कि 25 क्राफ्ट से, बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट थे जो लैंग्विशिंग है, तो उसमें से फिर मैंने नमदा रिवाइवल किया जिसमें मैंने 5 आर्टिजन से स्टार्ट किए करके उनको, एक तो वेजेस पे फोकस था और दूसरा आर्टिजन मोटिवेट होकर फिर से आ जाए इस क्राफ्ट में, और तीसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी इमेज खराब हो गई है उसको कैसे वापस बिल्ड करें। तो जापान में जैसे पूरा बैन था तो फिर मैंने रिवाइवल ऑफ नमदा प्रोजेक्ट लिया जो 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके फिर 15 आर्टिजन उसमें जुड़ गए, लेडीज 7 और 8 मैन थे, क्योंकि बेस हमारा यहाँ जेंट्स बनाते हैं वो बहुत हैक्टिक वर्क है तो उसके बाद एम्ब्रॉयडरी लेडीज करती है। तो फिर बाद में रिवाइवल ऑफ पश्मीना स्पिनिंग जो हैंड स्पिनिंग होती थी, अभी पश्मीना स्पिनिंग मशीन पर लगता है, तो उसमें 28 लेडीज जुड़ गई, क्योंकि शुक्र अल्लाह मैंने इतना अपने लिए नहीं कमाया है जितना कोशिश की कि आर्टिजन कम्युनिटी को फायदा मिले और जो हमारा क्राफ्ट डाइंग हो रहा है उसको बचाने में। अभी 28 लेडीज हमारी पश्मीना स्पिनिंग के साथ जुड़ी हुई है और 25 लेडीज जो है एम्ब्रॉयडरी के साथ जुड़ी हुई है और नमदा रिवाइवल में 15, तो लगभग 75 के करीब मतलब है। तो लेकिन पिछले साल जो इंटरनेट बैन हुआ तो उस वजह से हमारा सारा खराब हो गया है। लेकिन आज एकदम तेजी से बढ़ने वाला है आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप सो। और ये बहुत अच्छा अवसर मिला है यहाँ आपसे मिलने का और प्रेजेंट्स आपसे भी मिले तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। ये बहुत बड़ी बात है हमें यहाँ इस मंच पे बुलाया, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स को एप्रिसिएशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तो सब वो रसूख वसूख चलता है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, ये जॉब बनाते के टाइम खराब मत करो, आप लोग स्वयं जॉब देने वाले बन जाओ। थैंक यू सो मच।